खुश रहें और अच्छे रहें। तो आज मुझे करेला ही बनाना था और पुदीने की चटनी बाद में बनाऊंगी, मैंने आपको दिखाया ना। तो पुदीने और थोड़े से धनिया डाल के मैं, और खटाई, खटाई मतलब आम की जो सूखी खटाई होती है ना, वो डाल करके मैं चटनी बनाऊंगी बाद में। हो सकता है मैं आपसे शेयर करूँ, इसमें ही डाल दूँगी छोटा सा क्लिप। बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं जल्दी ही। और एक तरफ मेरी बन रही है दाल, जो मैं अभी सोचा दाल और पुदीने की चटनी, करेले की सब्ज़ी और ये राइस बनेगा। थोड़ा सा और डाल देते हैं। एक्चुअली दाल बनाना है, राइस बनाना है, करेले की सब्ज़ी बस रेडी ही हो गई है। सिंपल खाना, मैं थोड़ा सा विंडो खोल देती हूँ। और ये है तड़का, इसे मैंने लिया है जीरा, हींग और वो सरसों तो करेले में डाला था ना, वही है। बस हो गया, और मैं तड़का डाल रही हूँ अपने गार्डन की हार्वेस्ट की हुई चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ और टोमेटोज, क्योंकि अभी प्याज वगैरह तो अनियन वगैरह हमें डालना नहीं है। मैंने ये तड़के को ज़्यादा जलने नहीं दिया, क्योंकि पता नहीं आपको, हमेशा हम बारीक काटते हैं या बारीक कटने वाले चॉपर या ग्रेटर में हम उसको काटते हैं, लेकिन ये मेरा आज का भी जो बना रही हूँ वो इसी तरीके से बना रही हूँ। और मे भी एक करेला भी हो गया होगा, ये देखो बहुत अच्छे से रेडी। और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। अभी ना अनियन हमें डालना, वो अनियन वगैरह डालना नहीं है ना, लहसुन वगैरह डालना नहीं है। ये देखो सॉल्ट हमने डाल दिया है, अभी ही डाल दिया है मैंने, बस तो उसको थोड़ा सा फ्राई जैसा हो जाने देते हैं। उसके बाद धुली हुई दाल है और जो हम डालेंगे अपने गार्डन से हार्वेस्ट किए हुए वेजिटेबल फ्रूट्स अच्छे तो लगते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने सोचा है कि जितने के वो वेजिटेबल्स होते नहीं है उससे कहीं ज़्यादा महंगा हम जो मतलब फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो बहुत कॉस्टली और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं हमको, और बहुत ही मेहनत लगती है। मैंने दाल एक कर दिया है, मैंने इसमें दाल ऐड कर दिया है। अब हम मसाले डालते हैं आपके सामने, ये देखो सब लोग अपने तरीके से दाल बनाते हैं, मैं भी बना रही हूँ सिंपल। और राइस बनाना है और चटनी बनानी है, बस यही है। सॉल्ट मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देते हैं, काफ़ी है। मुझे प्याज और लहसुन डालना नहीं है। तो ये हो गया आपका, दाल आप दाल ना सबके घर में बहुत अलग अलग तरीके से तड़के डाल के बनती है। आज मैंने ऐसे बनाया और टमाटोज भी बहुत बड़े बड़े काटे,
हमेशा अलग अलग तरह से दाल बनती है और अलग अलग तरीके से बने तो टेस्टी भी बहुत लगती है। और मुझे लग रहा है कि इसमें हल्दी थोड़ी कम है, हम थोड़ी हल्दी डाल देते हैं। बस इसको कैप लगा के 4 सीटी लगेगी, तुअर डाल के 4 या 5 सीटी लग जाएगी। बस ऐसे थोड़ा सा पानी में डाल के रखा था तो जल्दी हो जाना चाहिए। और ये लगा दिया आपने कैप। बस आज सिंपल खाना बन रहा है। चलो पुदीने की चटनी है, पुदीना और धनिया मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी खटाई ली है जो आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर का, वो आम की अंबियाँ जो ड्राई कर देते हैं पिछले साल की वो है। थोड़ा सा मैंने 2-3 चुटकी मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और सॉल्ट है और हरी मिर्च है। ये सारी चीज़ें आप अपने मन मुताबिक और अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वाटर डाला है। अब जल्दी से हम चटनी तैयार कर देते हैं। खाना बाकी सारा रेडी है, राइस दाल आपके सामने फ्राई की और करेला। वाटर था